अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पार्ट वन जरूर देखा है, और अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपको जरा भी समझ नहीं आएगी। तो अज्यूमिंग कि आपने पार्ट वन देख लिया है, रिकैप करते हैं। पार्ट वन में मूवी वहाँ एंड हुई जब स्टेफान ने अपनी डैड की जान ले ली और उनकी लाश को गाड़ दिया, पर बाद में उसके क्राइम का पता चल गया और वो अरेस्ट हो गया, जिसके कारण उसका गेम कभी रिलीज ही नहीं हुआ और टकरसॉफ्ट कंपनी बैंकरप्ट हो गई क्योंकि उसके सारे एडवर्टाइजमेंट के पैसे डूब गए। और स्टेफान जेल में अजीब सा फ्लोचार्ट बनाते बनाते मूवी फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती है, जहां इस बार स्टेफान का वो क्लिप चल रहा होता है जब स्टेफान ने ड्रेड की हत्या कर दी। उसी मॉनिटर के मोमेंट पर लौटते हुए इस बार उसे लाश को काटकर छिपाने का इंस्ट्रक्शन किसी से मिलता है। वहीं मोहन उसे फोन से रीच आउट करने की कोशिश करता है, पर स्टेफान डॉक्टर के साथ बिजी होता है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। पर इस बार हमें कॉलिन मोहन के ऑफिस में जिंदा दिखाई देता है। अब स्टेफान जोरों शोरों से अपने काम के पीछे लग जाता है और इस बार वो सक्सेसफुली अपना पूरा गेम कम्प्लीट करता है, जिसके ठीक बाद वो साइकियाट्रिक सेशन अटेंड करता है, जहां वो डॉक्टर से झूठ शेयर करता है कि उसके डैड अपने सिस्टर के यहाँ आ गए हैं, जबकि कठोर दिल ने अपने डैड की लाश को काट कर ठिकाने लगा दिया और बैंडरस्नैच की तरह उनके खून से दीवार को गिल्फ सिंबल से भर दिया। सक्सेसफुल कम्प्लीशन के कारण उसे फाइनली क्रिटिक से 5 out of 5 की रेटिंग मिलती है। पर जैसा कि कभी क्राइम छिपता नहीं, स्टेफान का क्राइम पुलिस को पता चल जाता है और वो अंत में अरेस्ट हो जाता है, और न्यूज में हत्या की खबर फैलने के कारण गेम पर बैन लग जाता है। और फिर मूवी के क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि कॉलिन की बेटी 21st सेंचुरी में स्टेफान के गेम को मूवी के फॉर्म में नेटफ्लिक्स के लिए रीडेवलप करने की कोशिश में है। और उस नादान को क्या खबर कि जिस पागलपन ने बैंडरस्नैच और स्टेफान को निगल लिया, वो भी उसका शिकार बनने वाली है। और फिर मूवी वहीं एंड हो जाती है। रुकिए रुकिए, क्योंकि मूवी में अब भी कुछ ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि रियलिटी में मूवी अभी खत्म ही नहीं हुई है, क्योंकि मूवी फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती है जहां इस बार स्टेफान का वो क्लिप चल रहा होता है जब वो फैमिली एल्बम लेकर सो गया था। पर इस बार स्टेफान अपनी फैमिली एल्बम के बजाय वो गाइड बुक लेकर सो जाता है। पिछली बार के विजन में उसे पता चला था कि उसके डैड ने रैबिट को शायद से उसी रूम में छिपाया है, इसलिए इस बार के ड्रीम विजन में वो सीधे उसी रूम में जाता है जहां उसे एक 3-character पासवर्ड से प्रोटेक्टेड लॉकर दिखाई देता है। काफी सोच के बाद वो टॉय एंटर करता है, जिससे लॉकर का ऊपर का क्लोजेट ओपन हो जाता है और फाइनली उसे अपना चाहता टॉय मिलता है। पर फिर अचानक से उसका टाइमलाइन उसके बचपन के टाइमलाइन में बदल जाता है और स्टेफान अपने डैड के कहने पर वो रैबिट वहीं रख देता है जहां वो हमेशा सेफली रखता है। अगली सुबह जब उसकी मॉम उसे ग्रैंडमा के यहाँ ले जाने आती है, तो इस बार भी उसे अपना टॉय खोजने में समय लग जाता है। ऑल्दो उसे अल्टीमेटली मिलता है, पर उसकी मॉम फिर भी लेट हो जाती है। वो स्टेफान से रिक्वेस्ट करती कि क्या वो उसके साथ ग्रैंडमा के यहाँ चलना चाहेगा, जिस पर वो लंबे सोच के बाद हाँ में जवाब देता है और अपने चाहते टॉय के साथ लेट ट्रेन से ग्रैंडमा के यहाँ निकल पड़ता है। पर जैसा कि पिछली बार का भाग्य था, वो ट्रेन डीरेल हो जाता है और करंट समय में स्टेफान बिना किसी वार्निंग के साइकियाट्रिक सेशन के दौरान अपना दम तोड़ देता है। आई नो कि यहाँ आपको और भी कंफ्यूजन हुआ होगा, पर सबर कीजिए, ये सारा मिस्ट्री में आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। अब जैसा कि अब तक होते आया, मूवी फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती है जहां स्टेफान इस बार टॉय के जगह पैक पासवर्ड एंटर करते दिखाई देता है और मूवी फिर से रिवाइंड होते हुए उसी लॉकर की तरफ मुड़ जाती है जहां इस बार स्टेफान अजीब कारण से पैक पासवर्ड एंटर करता है, जो टर्म उसने कॉलिन से सीखी थी, जिससे लॉकर का दूसरा कैबिन ओपन होता है जहां कुछ फाइल्स और उसकी फोटोज के देखने के बाद कॉलिन की बात सच होती दिखाई देती है कि गवर्नमेंट उन पर नजर बनाए रखा है और स्टेफान के डैड खुद उनके लिए काम कर रहे हैं। वो बचपन से उसे ड्रग करते आए साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। उसके मॉम का मरना भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था, इनफैक्ट वो उसकी असली मॉम भी नहीं थी, जिसमें साइकियाट्रिस्ट भी शामिल है, इसलिए इस बार इंटेंशनली गुस्से में ही विजन में अपनी डैड की जान ले लेता है। पर वो एक ड्रीम निकलता है और स्टेफान झटके में नींद से उठता है और इस बार गेम फेल होने पर और उसके सवाल करने पर इस बार उसके मॉनिटर पर पैक प्रिंट होने लगता है, जिससे अब उसका डैड पर शक यकीन में बदल जाता है और इस बार वो इंटेंशनली डैड की जान ले लेता है और उनके लाश को गाड़ देता है। और जैसे कि पिछली बार हुआ था, डॉग अनजाने में लाश को खोद निकालता है और स्टेफान अरेस्ट हो जाता है। पर लकीली इस बार कंपनी पार्शियल रिलीज करने में सफल हो जाती है, ऑल्दो गेम को नेगेटिव रिव्यू मिलता है। अब मूवी जैसे फिर से कंप्लीट रिवाइंड होते हुए उसके इंटरव्यू के पहले के एक बस जर्नी की तरफ मुड़ जाती है, जहां इस बार उसके हाथ में बैंडरस्नैच नाम का टेप, जिस पर उसका नाम लिखा होता है, जिसे प्ले करने पर अजीब सा टोन म्यूजिक प्ले होने लगता है और फिर मूवी फाइनली खत्म हो जाती है।
दरअसल रियलिटी में ये मूवी एक इंटरएक्टिव चूज योर ओन एडवेंचर वीडियो गेम है। मूवी में बीच बीच में दिखाया वो मॉनिटर दरअसल व्यूअर्स के एंगल से था, जहां व्यूअर्स एक गेम की तरह स्टेफान को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल शब्द में मूवी की कहानी एक फ्लो चार्ट की तरह है, जहां व्यूअर्स डिसाइड करेंगे कि स्टेफान कौन सा पाथ चूज करेगा। इसलिए मूवी के दौरान कई बार स्टेफान की गहरी सोच में जाना यही साइन था कि व्यूअर को चूज करना है कि वो कौन सा पाथ चूज करे। और अगर आप इस मूवी को गेम की तरह खेलना चाहते हो तो आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स के सपोर्टेड डिवाइसेस जैसे लेटेस्ट स्मार्ट टीवी, PS4, लैपटॉप या अन्य डिवाइस से खेलना होगा। अगर आपका डिवाइस सपोर्टेड है तो आपको कुछ ऐसा साइन दिखाई देगा और मूवी के दौरान आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसे आपको अपने रिमोट से चूज करना है, और ठीक उसी ऑप्शन के बेस पे आगे मूवी, जिसे अब आप एक गेम भी कह सकते हो, उसकी कहानी आगे बढ़ती है। वरना अगर आप ये नॉन सपोर्टेड डिवाइसेस में देखोगे तो ये बस एक मूवी की तरह चलती जाएगी और एक बात एंड होने पर ये अपने आप वहां से शुरू होगी जहां उसे लास्ट टाइम मल्टीपल ऑप्शंस मिला था, और उस समय वो दूसरा ऑप्शन चूज करेगा। एक बार चूज किया पाथ खत्म होने पर व्यूअर्स मूवी, जिसे अब आप एक गेम भी कह सकते हो, शुरुआत या पिछले चेक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक आप सारा पाथ कंप्लीट ना कर लो। इस गेम का अल्टीमेट मिशन बैंडरस्नैच गेम को लॉन्च करना है। अगर आप मूवी की पूरी कहानी को फ्लो चार्ट में प्रिंट करोगे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट में तैयार होगा, जिसे मैं सिनेरियो के बेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला डिसीजन था ब्रेकफास्ट में कौन सा सीरियल और आगे कौन सा म्यूजिक सुनना है, पर क्योंकि इस डिसीजन से उसके आगे की कहानी पर कोई बदलाव नहीं आता तो ये वाले सिलेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल्दो स्टेफान यहाँ जो भी सीरियल चूज करता है आगे टीवी एड्स में उसे वही दिखाई देने लगते हैं। तीसरा सिनेरियो तब जब स्टेफान के पास ऑप्शन होता है ऑफिस से गेम डेवलप करने का या घर से। ऑफिस चूज करने पर वो फेल साबित होता है और गेम वही एंड हो जाता है, इसलिए व्यूअर्स गेम को रिस्टार्ट करके इस बार स्टेफान से गेम घर से डेवलप करने का ऑप्शन चूज करते हैं। जिसके ठीक बाद साइकियाट्रिस्ट से अपना बचपन की कहानी शेयर करने के बाद स्टेफान को स्ट्रेस आने पर व्यूअर्स को ऑप्शन दिखाया जाता है कि वो गुस्सा कीबोर्ड पर कॉफी गिरा के निकाल दे या डैड पर चिल्ला दे। कीबोर्ड पर कॉफी गिराने से ऑब्वियसली प्रोजेक्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और गेम वही एंड हो जाता है, पर डैड पर चिल्लाने पर और कार से उतरने के बाद व्यूअर्स को फिर से ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो साइकियाट्रिस्ट अटेंड करे या कॉलिन से मिले। कॉलिन को मिलने का तय करने पर आगे व्यूअर्स को एक और ऑप्शन कि या स्टेफान या कॉलिन को दे। स्टेफान के जंप करने पर कंपनी हाफ कंप्लीटेड गेम लॉन्च करती है और जो एक फेलियर निकलता है और गेम वही एंड हो जाती है। वही कॉलिन को कूदवाने पर झटके में कार से उतरने से पहले झपकी से उठता है। अब यहाँ आपको सवाल आया होगा कि अगर कॉलिन से वो कार से उतरने के बाद मिला था तो फिर कार में उसकी नींद कैसे खुलती है। वेल, कॉलिन का वो पाथ दरअसल दूसरा यूनिवर्स था जिसे इस यूनिवर्स से कनेक्ट किया गया मल्टीपल यूनिवर्स को प्रूव करने के लिए, पर रियलिटी में कॉलिन सच में मर गया है, इसलिए अगले दिन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वो ऑफिस से मिसिंग होता है। ऑल्दो वो वीडियो टेप कॉलिन के बिहाफ पर स्टेफान को दिया गया, क्योंकि उस टेप के स्ट्रेस के कारण ही आगे और भी मल्टीपल पाथ्स क्रिएट होता है। अब सिर्फ साइकियाट्रिस्ट को अटेंड करने का ऑप्शन होता है क्योंकि कॉलिन का पाथ ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया होता है, और सेम गेम के सेशन में प्रीवियस विजिटेड पाथ रिविजिट नहीं किया जा सकता। साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद व्यूअर्स को ऑप्शन मिलता है या तो वो हाई डोज ऑफ मेड्स ले या तो ना ले। मेड लेने से उसका फोकस रिड्यूस हो जाता है और एंड में इनकम्प्लीट गेम रिलीज होता है, जिसके कारण फिर से नेगेटिव रिव्यू के साथ गेम एंड हो जाती है। वहीं ना लेने पर आगे स्ट्रेस के बाद व्यूअर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि या तो अपना गुस्सा कीबोर्ड पर या डेस्क पर बैंग करके निकाल दे। कीबोर्ड को तोड़ने पर जाहिर तौर पर प्रोजेक्ट नष्ट हो जाता है और गेम फिर से एंड्स। वहीं डेस्क को बैंग करने से आगे नया पाथ क्रिएट होता है कि वो गाइड बुक या अपनी फैमिली फोटो लेकर सो जाए। फैमिली एल्बम चूज करने पर ड्रीम में वो टाइम ट्रैवल करके अपने बचपन के एक मिस्ट्री को रिवील करता है कि उसके डैड ने रैबिट को कहां छिपाया, और जब बचपन के ड्रीम के बाद झटके में उठने पर काम पर लग जाता है तब नेटफ्लिक्स नाम का पाथ मॉनिटर पर अनलॉक होता है, जिसके कारण ही एंड्स अप इन साइकियाट्रिक सेशन, जहां व्यूअर्स को फिर से चूज करने का मौका मिलता है कि या तो वो जंप या तो फाइट करे। फाइट करने से शायद वो पागल खाने भेज दिया जाता। वहीं जंप से रिवील होता है कि ये सब बस एक नेटफ्लिक्स मूवी शूटिंग था और गेम फिर से एंड हो जाती है। अब जब मूवी फिर से रिस्टार्ट हुआ था तब वो उसी चेक पॉइंट पर रिस्टार्ट हुआ जहां उसे या तो फैमिली फोटो चूज करनी है या तो गाइड बुक, और सेकेंड टाइम एल्बम को चूज करने पर बैंडरस्नैच ड्रीम में उसकी जान लेने लगता है, और अगली सुबह उठने पर बैंडरस्नैच का वही सिंबल मॉनिटर पर अनलॉक होता है, जिससे अब आपको थोड़ा नॉलेज आ गया होगा कि अगर सेम पाथ को रिपीट किया जाए तो डिफरेंट ऑप्शंस भी अनलॉक होते हैं, प्रोवाइडेड वो पाथ फिर से एक्सेसिबल होना चाहिए। इस पाथ के पीछे पागल होकर उसने अपने डैड की जान ले ली। अपने डैड को मारने के बाद व्यूअर्स के पास फिर से ऑप्शन होता है या तो वो उसे गाड़ दे या लाश को काट कर छिपा दे। गाड़ने का चूज करने पर उसे मोहन का कॉल आता है, जहां फिर से व्यूअर्स को ऑप्शन मिलता है कि वो गेम कंप्लीट करने का हाँ करे या ना। हाँ करने पर सिर्फ किटी कॉलिन को ढूंढते विजिट करती है, और आगे डॉग के कारण उसके क्राइम का पता चल जाता है, और अरेस्ट होने के कारण गेम कभी कंप्लीट ही नहीं होता और गेम यहाँ एंड्स। वहीं मोहन को
ना करने पर मूवी में एक सीक्रेट हिडन पाथ रिवील होता है, जहां मोहन रीजन जानने के लिए स्टेफान के घर दस्तक देते हैं और उन्हें उसके क्राइम का पता चल जाता है। और फिर से व्यूअर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि या तो स्टेफान उन्हें खत्म कर दे या अकेला छोड़ दे, जहां आगे स्टेफान अरेस्ट हो जाता है और गेम कभी रिलीज ही नहीं होता क्योंकि कंपनी का ओनर मोहन ही नहीं रहा। पर अगली बार जब फिर से मूवी रिवाइंड होती है और इस बार डैड के मरने के चेक पॉइंट पर रिस्टार्ट करता है और जब व्यूअर्स लाश को काटकर छिपाने लगाने का ऑप्शन चूज करते हैं, तो आगे हमें पता चलता है कि कॉलिन एक्चुअली में जिंदा है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि इस बार जब गेम रिस्टार्ट हुआ तब व्यूअर्स ने ऑप्शन में डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट को अटेंड करने का ऑप्शन तय किया, जहां पे उन्होंने कॉलिन को मीट करने का पाथ स्किप कर दिया, जिसके कारण कॉलिन कभी मरा ही नहीं और इवेंचुअली स्टेफान सक्सेसफुली 5-स्टार रेटिंग गेम रिलीज करता है और इस तरह व्यूअर एक्चुअल गेम को कम्प्लीट कर पाते हैं। अगली बार व्यूअर गेम को उस चेक पॉइंट पर रिस्टार्ट करता है जब वो या तो गाइड बुक या तो फोटो एल्बम चूज करे। इस बार के व्यूअर के गाइड बुक चूज करने पर आगे या तो टॉय या तो पैक एंटर करना होता है। टॉय को एंटर करने पर आगे ऑप्शन आता है कि या तो वो अपने मॉम के साथ जाए या तो ना। जाने पर वो करंट समय में ही खत्म हो जाता है, जब वो मूवी के शुरुआत में साइकियाट्रिस्ट से अपनी मॉम का इंसिडेंट शेयर कर रहा था, और ना चूज करने पर उसका फ्यूचर वैसा ही बना रहता है विदाउट एनी चेंजेस। वहीं लॉकर के लिए पैक पासवर्ड चूज करने पर वो आगे जाकर डैड की जान ले लेता है और उन्हें गाड़ने का तय करता है। पर इस बार के पाथ में लास्ट पाथ के कंपैरिजन में जहां पे स्टेफान को सिंबल नजर आता है, उस समय डैड को मारने पर एंडिंग अलग था, जहां पे गेम कभी रिलीज ही नहीं हुआ। इस पाथ में जहां पे वो पैक एंटर करने के बाद डैड को मारता है, इस बार गेम रिलीज होता है ऑल्दो वो स्टिल हाफ कंप्लीट निकलता है और उसे नेगेटिव रिव्यू मिलता है। बट वो इसलिए क्योंकि मोहन कभी स्टेफान के घर क्यूरियोसिटी में विजिट ही नहीं करता और इस तरह वो कभी मरता ही नहीं और गेम इवेंचुअली रिलीज होता है ऑल्दो उससे पहले ही स्टेफान अरेस्ट हो गया होता है क्योंकि उसने गाड़ने का तय किया होता है और डॉग ने उसके क्राइम का पता लगा लिया होता है। अब पूरा गेम खत्म होने पर जब व्यूअर्स इसे फिर से रिप्ले करते हैं, जैसा कि हमने गेम में देखा है कि जब पूरे गेम की स्टोरी को खत्म कर दिया जाता है तब आगे कुछ प्लॉट्स और मैप्स अनलॉक होता है, वैसा ही कुछ इसी केस में ये कैसेट अनलॉक होता है जिसे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वो एक QR कोड है जिसे स्कैन करने पर वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा जहां आप मूवी में बताए सारे गेम्स खेल सकते हो। ऑल्दो मूवी एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम की तरह बनाई है, पर यहाँ मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी को बिना साईफाई इफेक्ट्स के ब्रिलियंटली प्रूव करने की कोशिश की है, जहाँ लाइफ में हर डिसीजन के बेस पर एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है जो या तो आगे और भी मल्टीपल यूनिवर्स में क्रिएट होता है या वो यूनिवर्स पाथ उस कैरेक्टर के लिए एंड हो जाता है, जैसा स्टेफान के केस में कुछ पार्ट्स में हुआ। और सच्चाई ये है कि इंसान के पास फ्री विल जैसा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंसान एक मेज की दुनिया में जी रहा है जिनका हर एक्शन या तो कंट्रोल बाय किसी गवर्नमेंट सिमुलेटेड कंप्यूटर या भगवान खुद कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी कर लो आप अपने पसंद का कुछ नहीं कर सकते। बैंडरस्नैच एक रियल लाइफ वीडियो गेम प्रोजेक्ट था 1980s के दौरान, जो ये गेम अपने समय में कहीं आगे था। मूवी में दिखाया बैंडरस्नैच कैरेक्टर खुद एक फेमस 8-bit वीडियो गेम डिजाइनर रह चुके थे 1980s के दशक के दौरान। अब अगर मूवी की बात करें तो मुझे ये बहुत ही पसंद आई, नो वंडर इसे इतनी अच्छी रेटिंग मिली और ये मेरी अब तक की सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन में से एक है और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा जो आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हो, ऑल्दो ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी नॉर्मल डिवाइसेस में देखो ताकि आप इस पूरी मूवी के सस्पेंस को एंजॉय कर सको और चाहिए तो बाद में आप इसे नेटफ्लिक्स के सपोर्टेड डिवाइसेस में देखकर एंजॉय कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूले क्योंकि आप जानते हो कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।